हेलो गाइस, माय नेम इज सौरभ। तो आप लोगों ने बहुत सारे बोर्ड्स को देखा होगा जो कि शॉप के ऊपर लगे होते हैं, जिसमें से लाइट निकल रही होती है। अब कुछ लाइटर्स होते हैं जिसमें से ऊपर से लगाए जाते हैं, कुछ होते हैं कि जैसे कि ACP के बोर्ड होते हैं, उसमें हमें लाइटर को किस तरीके से कट किया जाता है, किस तरीके से उसमें फंसाया जाता है, वो चीज़। तो आज जो हम देखने वाले हैं कि लाइटर्स हम लोग किस तरीके से ACP के बोर्ड में लगाएंगे और ACP के किस तरीके से कटिंग करते हैं, तो ये सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा। तो इसके लिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ACP का बोर्ड होता है, किस तरह की मैं बात कर रहा हूँ। इसके लिए मैं चलता हूँ गूगल पे। गूगल पे यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ ACP, ठीक है। अब ये आ गया यहाँ पे जैसे, तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ इमेज के सेक्शन पे। जैसे ही मैं यहाँ जाऊँगा तो बहुत सारे बोर्ड मुझे यहाँ पे दिखाई देंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अभी जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है बीकानेर, यहाँ पे मानसी, यहाँ पे आपको किलर का, यहाँ पे KFC, सॉरी, यहाँ पुखराज, ठीक है। अगर मुझे इस तरीके के कुछ बोर्ड बनाना, जैसे यहाँ पे KFC लिखा है तो किस तरीके से कट करेंगे, या यहाँ पे मानसी लिखा है तो किस तरीके से कट करेंगे, तो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। जैसे कि यहाँ KFC और यहाँ पे, मैं दोनों को वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसको जब हम कट करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, और जब इसको कट करेंगे तो ये सिंपल सा थोड़ा सा करेक्ट हो जाएगा। तो अभी हम क्या करने वाले, इसको यहाँ पे सेव करेंगे और इसको यहाँ पे हम लोग कैसे कट करके दिखाएंगे वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अब इसको क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ। सेव इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं एक रेफरेंस ले सकूँ। सेव इमेज करा और यहाँ पे आप कहीं भी सेव कर सकते हो, जैसे डॉक्यूमेंट में मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट में यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे डॉक्यूमेंट में सेव हो गया। मैं यहाँ पे माई कंप्यूटर खोलता हूँ, विंडोज, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जाता हूँ। अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपने कोरल में से लेके जाऊँगा। तो कोरल में से बता रहा हूँ, अभी यहाँ पे क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे हमने बनाया नहीं है। तो यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पे कर लेता हूँ और यहाँ पे अभी के लिए सिंपल ऐसे कर देता हूँ, ओके। तो हमारे यहाँ पे पेज आ जाएगा। जैसे मेरे यहाँ पे पेज आ जाएगा, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और डॉक्यूमेंट के अंदर, तब मैं इसमें यहाँ पे ड्रॉप एंड ड्रैग करूँगा तो यहाँ पे ये आ जाने वाला है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे ले लिया, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले ये कट करेंगे, फिर लेटर्स कैसे कट करते हैं, फिर ऊपर से कैसे लगाते हैं, ये सारा प्रोसेस मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको। तो इसके लिए अलग अलग कुछ वीडियोस रहेंगी, जैसे कि इसके हम बनाएंगे, फिर इसको कट करके दिखाएंगे, फिर लेटर को किस तरीके से फाइल बनाते हैं, फिर किस तरीके से कट करते हैं, तो आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा पता लग जाएगा। तो इसके लिए अभी मैं, जैसे ये कट करना है तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक कर देंगे तो मेरे लिखने का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे KFT ये मैंने कर लिया। अब जैसे ये फॉन्ट दिख रहा है ना, तो हमें अगर फॉन्ट करना है तो मैं यहाँ से, यहाँ पे एरिया लिखा, आप फॉन्ट चूज़ कर सकते हो, ठीक है, कोई भी फॉन्ट। अभी मेरे पास ये फॉन्ट नहीं दिख रहा है तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कट करने के लिए कैसे करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एरियल ले लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने एरियल ले लिया और इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, बोल्ड कर लेता हूँ, हो गया बोल्ड। अभी मैं क्या करता हूँ ना, इसको थोड़ा साइज़ इंक्रीज कर लेता हूँ। साइज़ इंक्रीज कहाँ से करेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मैं डालूंगा जैसे 100, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे आ गया, लेकिन अगर आप लोग का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा होगा तो कैसा आएगा, अगर ये चीज़ ऑन होगा, ठीक है, आप यहाँ पे डालोगे तो यहाँ पे अलग चेंज होगा, यहाँ पे तो आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो एक साथ ये आएगा, नहीं तो ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग करके देखिएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मेरे को बता सकते हैं। अब क्या करना है, जब ये आपका आ जाए, मैंने यहाँ पे कर लिया, मैं यहाँ पे करता हूँ कलर हटा देंगे और राइट क्लिक करके यहाँ पे आउटलाइन ले लेंगे, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इस तरीके से कट करेंगे नहीं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो आपको कैसे किसी बोर्ड पे है ना, तो पहले मैं इसका बोर्ड किस पे लगने वाला है, तो जैसे मैं एक साइज ऐसे ले ले रहा हूँ, ठीक। और इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ 160 और एंटर, ठीक है। इस तरीके का कुछ बोर्ड मैंने ले लिया, इस बोर्ड पे जैसे पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा है, तो इस पे लेटर लगेगा। तो पहले मैं क्या करूँगा, इसको और इसको सेलेक्ट करके तो सेंटर में कर लेंगे, ठीक है, ये मुझे यहाँ पे कट करना है। अब मैं क्या करूँगा, इसको
एक्सपोर्ट कर लूँगा। ठीक है, एक्सपोर्ट कहाँ पे करना है, मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट में ले लेता हूँ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट में KFC के नाम से मैंने किया। ठीक है, अब हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमारा DXF ऑटो कैड में होना चाहिए, बाकी तो हम और में भी कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं आपको DXF बता रहा हूँ। तो DXF में सेव कर लेंगे, ऑटो कैड की फाइल होती है, ऑटो कैड है तो ऑटो कैड बना सकते हैं कुछ चीज़ें, तो यहाँ पर कर लेंगे एक्सपोर्ट। तो जैसे ही मैं एक्सपोर्ट करता हूँ तो ये हमारा कुछ आ जाएगा, आपका अगर 2004 है तो 2002 कर सकते हो, तो या 2004 में भी चलता बट मैं 2002 कर रहा हूँ, और यहाँ पर कर देंगे ओके। ठीक है, जैसे मैंने कर दिया तो हमारा हो गया एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट हो गया। एक्सपोर्ट होने के बाद हमें क्या करना है, हमें जो है यहाँ पे जाना है अपने आर्टकैन सॉफ्टवेयर पे, और यहाँ पे मैं जाता हूँ न्यू, और यहाँ पे मैं साइज़ ले लेता हूँ। साइज़ हमें कौन सा लेना है, ये चीज़ मेन तो बात है, तो साइज़ आप ध्यान रखो कि यहाँ पे जो साइज़ दिख रहा है जैसे 160 और 57, ठीक है, मैं 58 ले लेता हूँ, 167, 160 और 57 है ना, तो यहाँ भी आ रहे हैं। अब देखो विड्थ है 160 और 58 ले लेते हैं, एक बार देख लेते हैं यही है कि नहीं, हमारे यही है। ठीक है, हमने यहाँ पे कर दिया। और एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे अगर आपका है तो आप यहाँ पे इसको फुल कर लेना, इससे क्या होगा जब आप कट होगा राउटिंग की मशीन पे तो ये बहुत अच्छा कट होगा, फिनिशिंग में होगा। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमने MM में किया है तो यहाँ पे MM में ही लेना है और ओके। इतना कर लेने बाद आपको पेज इस तरीके से कुछ आ जाएगा, जैसे आप इसको बड़ा करोगे यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब ये क्या चीज़ें हैं, ये बहुत सारे इसमें हमें ऑप्शन मिलेंगे, हम यहाँ से भी फाइल को बना सकते हैं बट अभी के लिए हम कोरल से लेके आए। अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है कि किस तरीके से करते हैं तो मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ, अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में अपना नंबर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो और सीख सकते हो। जब हमारा ये चीज़ हो जाए तो इसके बाद आपको क्या करना है कि वो जो फाइल हमने बनाई थी उसको यहाँ पे लाना है। लाने के लिए हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, इम्पोर्ट में वेक्टर डेटा, हमने जैसे कि आपको पता है फोटोशॉप में रेस्टर इमेज बनती है और हमारे कोरल में वेक्टर, हमने कोरल बना लिया। और यहाँ पे ये हमारा कहाँ था, हमारा था डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट हमें देखना पड़ेगा, जैसे कि ये रहा डॉक्यूमेंट हमारा था KFC के नाम से, और यहाँ पर कर लेंगे ओपन, तो हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाने वाला है, और इसको करेंगे ओके। जैसे हमने कर लिया हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें कुछ इसमें से चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि हमें जाना है टूल पाथ पे, देन यहाँ पे 2D प्रोफाइल पे, 2D प्रोफाइल पर जाएंगे और हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, अभी यहाँ पे आता है दो चीज़ आउटसाइड इनसाइड, तो हम कट करेंगे आउटसाइड, आउटसाइड को कट करेंगे कि हमें अंदर का पार्ट पूरा चाहिए, हम आउटसाइड करेक्ट कर देंगे तो हमारा जितना साइज हमें दिया वो हमें कट करके मिल जाएगा। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमें शीट कितनी होती है, शीट अलग अलग भी आती है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3 mm, 4 की भी आती है, 5 की भी आती होगी, ठीक है, तो अलग अलग साइज रहते हैं, मैं अभी यहाँ पे 3 ले रहा हूँ, 3 mm की शीट है हमारी, 3 mm मतलब फिनिशिंग कितना कट करेगा ये, तो ये 3 mm तक कट करेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हम बाद में देखेंगे जब आप होंगे। इसके बाद प्रोफाइल टूल, यहाँ पे हमें आना है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि यहाँ रफनेस, 2D फिनिशिंग, यहाँ पे 3D फिनिशिंग, वी कर्विंग, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे रहती है। ठीक है, अभी हमारी कुछ शीटें होती हैं 3 mm की, कुछ होती है 5 mm की, कुछ होती है 8 mm की, कुछ होती है 12 mm की, कुछ होती है 20 mm, तो ये बिट हम उसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे। तो जब आप सीखोगे, आप ट्रेनिंग लोगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता लगेंगी कि यहाँ पे हम किस तरीके से काम करते हैं सब चीज़ों को हीट के अकॉर्डिंग, है ना। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने की हैं, अभी कोई अगर फ्रेशर है तो वो सारी चीज़ें उसके लिए बहुत मायने रखती है, अगर कोई एक्सपीरियंस है उसको तो पता ही होगा कि किस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं और 3 mm मैं ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर फिर हमें जाना है एडिट के अंदर, एडिट के अंदर अब हमें यहाँ पे डायमीटर मिलता है, डायमीटर क्या है, जैसे बिट हम जो भी बिट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसका डायमीटर कितना है, जैसे यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 डायमीटर होता है पूरा, जैसे यहाँ से अगर रेडियस होता है तो उसका आधा। यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3, क्योंकि हमारे 3 mm की वो बिट ली है। अब यहाँ पे कितना मैं कहता हूँ 3, एक बार मुझे काटना है, यहाँ पर कर देता हूँ। अब शीट भी हमारी अलग अलग टाइप की होती है,
कोई हमारी 2 बार में कटती है, कोई 3 बार में कटती है, कोई 4 बार में। अगर 1 बार में कट करेंगे तो बिट हमारी जाएगी टूट, ठीक है। तो यह बहुत सिंपल था फंडा, अगर ज़्यादा मोटी बिट होगी तो हम ये देखना पड़ता है कि हम कितनी बार में कट करते हैं। तो ये जब आप ट्रेनिंग लोगे तो ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि हम कर रहे हैं सीने में, हम 1 बार में कट कर रहे हैं इतना। ओके हमने कर दिया और यहाँ पे आ गया। इसके बाद हमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखो जैसे आप करोगे तो आपको आ जाएगा 3, ठीक है। ये 3 हमने लिया था, डायमीटर 3 आ गया। और यहाँ पे हमें 3 बार में डाउन स्टेप नीचे और यहाँ पे कर लेंगे और सेलेक्ट। अगर आपको देखना है कभी तो यहाँ पे फिर भी क्लिक करके देख सकते हो और आगे जाएगा, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। देन इसके बाद आपको आना है नीचे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कभी आगे। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ और सिंपल सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ कि हम लोग किस तरीके से कट करते हैं। फिर आएंगे मटेरियल पे, मटेरियल हमने क्लिक करा यहाँ पे 3, मान लो हमारे 3 mm का मटेरियल है। और इसके और ध्यान रखना कि आपको ये नीचे अगर इस तरीके से दिखाई दे तो आप इसको कर लेना ऊपर ऐसे। अगर ये नहीं करोगे तो क्या होगा, जो हमारा बिट घूमेगा वो ऊपर ही ऊपर घूमेगा तो पूरा नीचे तक हमें कटेगा नहीं, तो हमें ये कर लेना है ये। और ओके कर लिया। अब इसके बाद हम एक चीज़ और भूल गए, ऊपर ज़्यादा तेज़ी में आ गए तो नीचे हो गए प्रोफाइलिंग, ऊपर सॉरी, ठीक है। प्रोफाइल टूल पर जाएंगे, ये तो हमने कर लिया था, ठीक है। और ये कर लिया, एक बार देख लेते हैं पूरा, ठीक है। ये कर लिया और ये कर लिया, ये कर लिया। इसके बाद आपको करना है नाव पे। जैसे आप नाव पे करोगे तो इस तरीके से कुछ आपको आ जाएगा। अब ये क्या चीज़ बना है, जो भी हमारा बिट चलेगा वो यहाँ पे चलेगा, इस तरीके से चलेगा और अंदर हमें कटिंग हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे करना है। अगर आपको देखना है कि भाई किस तरीके से कट हो रहा है तो यहाँ पे सेव टूल पाथ पे जाना है और यहाँ पे जाना है सैमुलेट टूल पाथ। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन कुछ आपको दिखाई देगा, आपको कुछ नहीं करना है, इसको फैमिली टूल पाथ कर देना। तो इस तरीके से कुछ कट करके दिखा देगा कि इस तरीके से हमारी यहाँ पे कटिंग होगी। अगर आपको फिर से जाना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो 2D प्रोफाइल पे और यहाँ पे टूल पाथ पे जाओ। और हमें अब ये मशीन को भेजनी है हमने फाइल, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे सेव टूल पाथ। तो आप सेव टूल पाथ पे जब क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, और ये जो एरो दिख रहा है ना आपको ब्लैक का, आपको इस पर क्लिक करना है, ये इधर आ जाएगा। और आपको ये फाइल ध्यान रखना है कि आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे होंगे, आपको यहाँ पर टैप पर सेव करना है। और मैं सेव करता हूँ, जैसे सेव आ गया, मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको कर लेता हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट में सेव कर लेते हैं और यहाँ पे डाल देता हूँ KFC, KFC कर दिया मैंने। और यहाँ पे कर देंगे सेव, ठीक है, ये हो गया सेव। अब ये जो हमारी फाइल है इसको मैं कर दूंगा क्लोज, ठीक है। तो ये जो हमारी फाइल हमने करी, अब ये हमारी तैयार हो गई है हमारी मशीन पे जाने के लिए। तो हम देखेंगे कि मशीन पे किस तरीके से कट करेंगे, जब वो कट हो जाएगा तब आपको पता लगेगा कि किस तरीके से कट हुआ है। फिर हम देखेंगे कि इसको लेटर किस तरीके से कट करेंगे, उसके लिए हम किस तरीके से फाइल बनाएंगे और उसको किस तरीके से उस पर लगाएंगे। अब मैंने एक चीज़ और बताई थी, ये तो हमारी हो गई इसकी बात। अब मैंने बताया था कि जब हम इस तरीके से कुछ लेटर्स की कटिंग करेंगे जैसा आपको दिख रहा है तो हमें क्या प्रॉब्लम आने वाली, इसकी भी वीडियो मैं बनाऊँगा तो उसमें आपको पता लगेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि इसकी कटिंग किस तरीके से हम लोग करेंगे।